साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ETF की दुकान बढ़ाकर और दुकानदार की तरह उन्होंने ETF में नियमित रूप से ट्रेड करके दैनिक आय कमाने का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसका पहला भाग पहले पब्लिश हो चुका है। जिन्होंने उस पहले भाग को नहीं देखा है उनके लिए मैं इस पहले भाग का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप बाद में जा करके इसका पहला भाग देख सकते हैं। उस पहले भाग में हमने 83 ETF को सिलेक्ट किया था। भारतीय शेयर बाजार में 10,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले इक्विटी से संबंधित और गोल्ड से संबंधित, सिल्वर से संबंधित हमने कुल 83 ETF को पहले भाग में सिलेक्ट किया था। तो वो पहले भाग का वीडियो बाद में डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक से देख सकते हैं। अब इसमें कैसे आपको ट्रेड करना है नियमित रूप से, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक गूगल फाइनेंस शीट बनाएंगे। मैं आगे जाके आपको प्रैक्टिकल में भी मेरे कंप्यूटर पर दिखा दूंगा कि ये गूगल फाइनेंस शीट मैंने कैसे बनाई है। वो गूगल फाइनेंस शीट पर डे हमें खुद बताएगी कि आज हमें कौन सा ETF खरीदना है। तो उसके लिए क्या होगा, एक गूगल फाइनेंस शीट बनाएंगे, उसमें कॉपी करके ये 83 ETF उसके अंदर ले जा करके हम पेस्ट कर देंगे। मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल में कैसे बनाते हैं, और उनकी अंडरलाइंग एसेट भी पेस्ट कर देंगे। पहले कॉलम में तो इन 83 ETF का नाम आ जाएगा, गूगल फाइनेंस शीट का जो पहला कॉलम होगा उनमें इन 83 ETF का NSE कोड आ जाएगा। दूसरे कॉलम में इनके संबंधित अंडरलाइंग एसेट आ जाएगी इनकी, कि ये किस चीज़ से संबंधित है। कि मान लो हम हैंग सेंग बीज से संबंधित ETF खरीद रहे हैं, या आज हम ऑटो बीज खरीद रहे हैं तो ऑटो सेक्टर से संबंधित है, तो ये किस सेक्टर से संबंधित है, निफ्टी से संबंधित है, बैंक निफ्टी से संबंधित है, वो अंडरलाइंग एसेट दूसरे कॉलम में इसमें आ जाएगी। तीसरे कॉलम में हम एक फार्मूला डालेंगे, वो फार्मूला इसका ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस बताएगा कि करंट मार्केट प्राइस इसका क्या चल रहा है। चालू मार्केट में भी फार्मूला ऑटोमेटिक अपडेट करेगा कि इसका करंट मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है। तीसरे कॉलम में हम फार्मूला डालेंगे। मैं आपको सीट बनी बनाई दूंगा, मेरे गूगल ड्राइव से आप कॉपी करके अपने खुद के गूगल ड्राइव पर ले जा सकते हैं, उसमें सारे फार्मूले लिखे हुए होंगे। लेकिन कोई बनाना चाहे तो, फार्मूला समझना चाहे तो उसमें आगे आपको समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकल सीट में कैसे हम फार्मूले डालेंगे। तीसरे कॉलम में उसका करंट मार्केट प्राइस आएगा अपने आप। चौथे कॉलम में उसकी 20 डेज की DMA आएगी, 20 दिन की डेली मूविंग एवरेज आएगी। 20 दिन देखो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं जिसमें से लगभग 8-10 दिन छुट्टी चलती है, यानी 20 ट्रेडिंग सेशन यदि मानते हैं तो लगभग पूरे महीने का हिसाब किताब आ जाता है। तो ये 20 दिन की DMA इसमें लेंगे। अभी आप ये मत सोचना कि जो 20 DMA से ऊपर आएंगे शेयर ब्रेकआउट करेंगे वो मैं आपको खरीदने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा। ETF में हमेशा शेयरों से उल्टा चलना होता है, तभी आप ETF में सक्सेस नहीं होते, क्योंकि आप ETF को शेयरों की भांति खरीदते हो, जबकि ETF को शेयर से उल्टा खरीदना होता है। अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो 20 दिन की DMA हम इसके चौथे कॉलम में लेंगे। पांचवे कॉलम में हम क्या लेंगे, इस करंट मार्केट प्राइस से 20 दिन की DMA का अंतर कितना है, इसका डिफरेंस लेंगे, माइनस CMP माइनस 20 DMA। पांचवे कॉलम में हम इसका अंतर लेंगे, यानी ये 20 दिन की DMA से शेयर ETF जो है कितना गिरा हुआ है या कितना बड़ा हुआ है ये आ जाएगा। यदि CMP ज़्यादा होगा तो कितना बड़ा हुआ है वो आ जाएगा, CMP कम होगा तो 20 दिन की DMA से माइनस में कितना चल रहा है, कितना गिरा हुआ होगा वो आ जाएगा। फिर इसमें छठे कॉलम में हम फार्मूला डालेंगे, परसेंटेज में चेंज निकालेंगे। ये जो परसेंटेज चेंज है, ये जो गिरा हुआ है CMP माइनस 20 DMA है, ये परसेंटेज में कितना प्रतिशत है 20 DMA का, यानी उसकी 20 दिन की DMA से, DMA मानी डेली मूविंग एवरेज, जिसको SMA भी कहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, उसकी 20 दिन की डेली मूविंग एवरेज से वो ETF कितना प्रतिशत गिरा हुआ है ये आ जाएगा। अब हमारी गूगल सीट का काम चालू हो गया। पहले गूगल सीट फार्मूला से ये सब आंकड़ा निकालेगी, अब गूगल सीट में एक बहुत ही चमत्कारिक आंकड़ा मिलेगा आपको कि इनमें से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ETF कौन सा है। सेलेक्ट हाइएस्ट डाउन ETF, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ETF, यानी उसकी 20 दिन की DMA से सभी ETF का उनकी 20 दिन की DMA से कंपेरिजन होगा, सभी ETF का उनकी 20 दिन की डेली मूविंग एवरेज से कंपेरिजन होगा, कि आज जो प्राइस चल रहा है उसमें उनकी 20 दिन की मूविंग एवरेज से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ETF कौन सा है वो हमारी सीट बताएगी। उसमें मैंने फॉर्मूला दिया है, एक्स लुकअप का फार्मूला डाल करके मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हमारी सीट खुद सेलेक्ट करेगी कि भाई ये ETF ऐसा है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखो इसमें शेयरों से उल्टा चलने वाली, कि शेयर हमेशा ब्रेकआउट के बाद खरीदिए, शेयर हमेशा बढ़ता हुआ खरीदिए, लेकिन ETF हमेशा गिरा हुआ खरीदिए। ETF हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा गिरा हुआ खरीदिए, क्योंकि ETF एक पोर्टफोलियो है, उसको आप गिरा हुआ खरीदेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शेयर आप गिरा हुआ खरीदेंगे तो यस बैंक का शेयर है, 800 रुपये से गिरना चालू हुआ, किसी ने खरीदा होता तो 800 से गिरते 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 वो 6 रुपये पे आ गया,
आप कितना एवरेज करोगे। लेकिन ETF जो कि एक पूरा पोर्टफोलियो है, इसको यदि आपने दो तीन बार एवरेज कर लिया तो ETF को ऊपर बढ़ना ही है। ETF चूंकि पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें एक शेयर नहीं होता, ETF के अंदर 20-30 शेयर होते हैं। तो आप एक शेयर नहीं खरीदे, पूरा पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं, तो उस पोर्टफोलियो में ज़्यादातर शेयर इसका मतलब गिरे हुए हैं। यदि आप ऐसा ETF खरीदते हैं जो उसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, सारे ETFs का कंपेरिजन हुआ, जैसे कुछ दिन पहले जो नास्डेक 100 पे आधारित ETF था वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ आ रहा था, उससे पहले गोल्ड ETF बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए आ रहे थे। तो इस समय से एक समय होता है कि जब कोई सेक्टर ज़्यादा चलता है, एक समय होता है जब कोई सेक्टर कम चलता है। तो इन 83 ETF में से हमारी ये गूगल फाइनेंस सीट आपको खुद बता देगी सिलेक्ट करके फॉर्मूलों के आधार पे कि आज भाई साहब ये ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, इसमें आपको आज निवेश करना है। तो एक दिन में हम एक ETF में निवेश करेंगे, मैंने आपको बताया था 83 ETF में सब में निवेश नहीं करना। कितनी राशि का करना है, कितनी अमाउंट का करना है, इसमें आपको कितना प्रतिशत प्रॉफिट बुक करना है, और आज आपने मान लो जो ETF आज गिरा हुआ है वही अगले दिन आ गया तो क्या होगा, ये सब भी आपको वीडियो को आगे भाग में बताऊंगा मैं। अभी आप ये जाकर के देख लो कि ये गूगल सीट मैंने किस प्रकार से बढ़ाई है, ये आप अभी जाकर के देख लीजिए। ये हमारी ETF की गूगल फाइनेंस सीट है। सभी 83 ETF को हमने यहाँ पर देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये ETF का NSE कोड है। फिर अगले कॉलम में उसकी अंडरलिंग एसेट बताई है कि ये किस एसेट से संबंधित है। जैसे ये एक्सिस सिल्वर ETF है तो ये एक्सिस सिल्वर ETF से संबंधित है, और ये गोल्ड के ETF है तो ये गोल्ड से संबंधित है। इस तरह से आपको इसके अगले कॉलम में इसकी अंडरलिंग एसेट बताई गई है। फिर ये तीसरा कॉलम हमने CMP का लिया है, करंट मार्केट प्राइस का। तो इसमें एक फॉर्मूला दिया है, देखो ये फॉर्मूला आपको यहाँ दिख जाएगा, गूगल फाइनेंस A2 प्राइस, A2 मनी, यहाँ ये एक कॉलम में दो नंबर का जो ETF है उसका प्राइस क्या है, ये आपको तीसरे कॉलम में दिखाई दे जाएगा। फिर इसका चौथा कॉलम हमने लिया है इसकी 20 डेज की DMA का, इनकी 20 दिन की DMA क्या है, इसमें मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। अब लोग यहाँ पूछते हैं कि यहाँ आपने 60 क्यों लिखा है, इस फॉर्मूले में कई बार कमेंट आता है। तो ये क्या है कि इसको पहले ये 60 दिन की क्वेरी करेगा, 60 दिन के डाटा लेगा, ये उसमें से क्वेरी करेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार मार्केट बंद भी होता है तो ये कैलेंडर डेज को गिनता है, बंद दिनों को भी गिनता है। तो 60 दिन में से आखिरी के जो 20 दिन है उनको गिन करके उनकी एवरेज निकालेगा, ये इस तरह से फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यदि आप 20 दिन ही लिखोगे इसमें, 60 की जगह 20 लिखोगे फॉर्मूले में, तो ये कुछ दिन छुट्टी होने से, कैलेंडर डेज लेने से आपके 20 ट्रेडिंग डेज पूरे नहीं होंगे, इसलिए हमने अंदाजे से इसको 40-50-60 कर देते हैं, हम थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं ताकि क्या है 20 दिन उसके अंदर पूरे हो जाए कितनी भी छुट्टियाँ रही हो। तो यहाँ सेलेक्ट कॉलम लिमिट 20 ये आपका आ जाएगा। फिर ये तीसरा कॉलम हमने दिया है CMP माइनस 20 DMA का, यानी करंट मार्केट प्राइस में से ये 20 DMA घटाने पर ये 0.21 आ गया, यानी निफ्टी क्वालिटी ETF जो है इसका जो मार्केट प्राइस है ₹14.24, ये इसकी 20 दिन की DMA ₹14.03 से 21 पैसे ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आ जाएगी, कम होगा तो कम आ जाएगी। आप देखोगे सिल्वर ETF जो है एक्सिस सिल्वर, ये उसकी 20 दिन की DMA से ₹9.67 ज़्यादा है, यानी 13% बढ़ा हुआ है। ये परसेंटेज चेंज लिया हमने कि 20 दिन की DMA और CMP के बीच में प्रतिशत में कितना अंतर है, क्योंकि हम सबसे कम प्रतिशत वाला चूज करेंगे, सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ ETF होगा उसकी 20 दिन की DMA से लास्ट में हम ये चूज करेंगे। तो इस कॉलम में ये सब फॉर्मूले अपने आप आ रहे हैं, ये भी देखो ये अपने आप यहाँ फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, फॉर्मूला बोर आप देखो इसमें अपने आप आ रहा है, और ये भी फार्मूला से CMP में से 20 DMA घटाने का माइनस का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये यहाँ तक फॉर्मूले से अपने आप आ रहे हैं सभी के सभी। अब यहाँ लिखा आएगा टुडे बाय, आज हमें कौन सा ETF खरीदना है, आज हमें कौन सा ETF खरीदना है टुडे बाय। तो इसमें ये सबसे गिरा हुआ ETF यहाँ बताएगा, देखो ये फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है मिनिमम F2 से F84 में, ये F सीरीज ये रही, F में से दो नंबर कॉलम से लेकर के 84 नंबर कॉलम तक में जो सबसे ज़्यादा हम गिरा हुआ है, तो -1908% में ये गिरा हुआ, ये रैंक वन में आएगा। और इसका फिर नाम क्या है, तो इसका नाम भी ऑटोमेटिक आएगा, फॉर्मूला दिया हमने एक्स लुकअप फॉर्मूला दिया हुआ है कि ये जो -1907.08% गिरा हुआ था इसका नाम TNID ETF आ रहा है। तो ये TNID ETF कौन सा है ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, TNID ETF ये कौन सा ETF है इसको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। ये टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, टाटा का निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ₹52.60 पे चल रहा है ये अभी, और आप देख सकते हो कि ये सभी ETF में तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो इसका नाम कैसे आया,
एक्स लुकअप फॉर्मूले से आया है कि इसमें से ये जो भी ये परसेंटेज जितनी गिरी भी हो उसका नाम ये फिर इस कॉलम ए में से उठा करके देता है। देखो आप ये नीचे मैं उसको आप दिखाता हूँ कौन कितना गिरा हुआ है, कौन कितना बढ़ा हुआ है। तो ये -19708 वाला ETF ये क्या था? टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF था। ये निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स पर आधारित फंड है। तो ये आपके रैंक ए वन में आया। आगे रैंक टू और रैंक तीन भी दिए कि इससे थोड़ा कम गिरा हुआ कौन सा है, इससे थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ फिर कौन सा है, ये अभी आगे समझाऊंगा आपको। तो आपको एक दिन में सिर्फ एक ही खरीदारी करनी है। रैंक वन में जो ETF आता है आपको पहले इसी को खरीदारी करना है। ये टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडिया फंड आया है, ये सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। तो ये सीट सारी की सारी ऑटोमेटिक अपडेट होगी। ये रैंक 1 2 3 अपने आप निकालेगा, उससे कम गिरे हुए में फार्मूला दिया हुआ है स्मॉल जा करके, और तीसरे नंबर वाले का भी फार्मूला इसके अंदर दिया हुआ है। ये सब ये अपने आप ये सीट निकालेगी। अब यदि आप ये देखना चाहें कि टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कौन कौन सी कंपनियों के शेयर आते हैं, तो आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, nseindia.com की वेबसाइट खोलिए। उसके बाद देखो मैं आपको सिखाता हूँ इसको किस प्रकार से देखा जाता है। साइट ओपन होने के बाद आप यहाँ नीचे आइए। नीचे आने के बाद ये गेनर एंड लूजर्स लिखा हुआ है। यहाँ जो व्यू ऑल लिखा हुआ है, पहले भी मैंने कई बार सिखाया आपको, व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। और व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ये निफ्टी 50 के शेयर आ रहे हैं। इसमें से आपको ये कौन सा एक्सचेंज पे आधारित ETF है, कौन से इसके इंडाइसेस पे आधारित है वो चूज करना है। तो ये सेक्टर इंडाइसेस के अंदर जा करके आपको यहाँ पर ये इसको देखिए, आपको जो थीमेटिक इंडाइसेस है इसमें जो है निफ्टी इंडिया जो डिजिटल इंडेक्स है, निफ्टी इंडिया डिजिटल, इस पर क्लिक करना है। निफ्टी इंडिया डिजिटल कनेक्ट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद ये आपके सारे शेयर आ गए। इसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर है, पेटीएम है, जोमेटो है, IRCTC है, इंटेलेक्चुअल है, तानला है, भारतीय एयरटेल है, आइडिया है, इन्फोसिस है, OFSS है। तो ये सारे शेयर आपको अलग अलग नहीं खरीदने पड़े, एक साथ एक बास्केट में आ गए अपने आपने खरीदे। तो नौकरी है, इस तरह से आप देखो ये सारे शेयर आपको एक साथ, विप्रो भी है, TCS भी है, LTTS है, टेक महिंद्रा है, पॉलिसी बाजार है, इंडिया मार्ट है, इंफोसिस है, SCL टेक है, नायका है, KPIT टेक है। तो ये सब आपके एक साथ एक बास्केट के रूप में आ जाते हैं। तो ये आपको अंडरलिंग के आधार पर पता चलता है कि मैं जो ETF खरीद रहा हूँ उसके अंदर कौन कौन से शेयर है। ये निफ्टी इंडिया जो डिजिटल में ये सारे शेयर आते हैं, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कभी खरीदते हैं तो कि आप कौन कौन से शेयर का ETF खरीद रहे हो। अब आपने गूगल सीट की सहायता से वो ETF सेलेक्ट कर लिया जो तुलनात्मक रूप से सभी ETF के अंदर उनकी 20 दिन की DMA से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। अब देखो रोज़ उनके मार्केट प्राइस भी बदलेंगे, रोज़ उनकी 20 दिन की DMA भी बदलेगी, तो रोज़ फार्मूले में अलग अलग ETF आने की संभावना है। लेकिन हो सकता है वो एक ETF दोबारा भी आ जाए, उसका भी इलाज बताया जाएगा दोबारा आएगा तो क्या होगा। अभी आप पहले ये समझ लीजिए कि अब उस ETF को खरीदना है। मान लो एक ETF आपकी गूगल सीट ने बता दिया कि आज आपको ये ETF खरीदना है। जैसे अभी हमने देखा था कि हमारी सीट ने टाटा डिजिटल इंडिया ETF फंड हमें बताया था कि जो टाटा का जो डिजिटल इंडिया इंडेक्स पे आधारित ETF है अभी वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, अभी आपको उसको खरीदना है। तो अब उसमें आपको अमाउंट कितनी लगानी है? तो अमाउंट के लिए पहले अपनी हैसियत टटोलिए आप लोग, आपकी हैसियत देखिए कि आपके पास कुल फंड कितना है, क्योंकि आपको रोज़ खरीदना है तो आपका फंड कम नहीं पड़ना चाहिए कभी भी किसी परिस्थिति में। तो यदि आपका कुल फंड 1 लाख रुपये हो, ये मैंने बताया आपको कि यदि आपका कुल फंड 1 लाख रुपए हो तो इसमें 60 का भाग दिया है मैंने, 60 से डिवाइड किया, यानी 3 महीने भी आप रोज़ खरीदते रहेंगे तो आपका फंड कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, 3 महीने भी। और उसमें अलग अलग ETF नहीं आएंगे, इसमें एवरेज आउट भी शामिल है। आपको रोज़ एक ETF खरीदना है, चाहे वो एवरेज आउट करने के लिए खरीदा हो, चाहे आपने उसको नया ETF खरीदा हो। इसमें एवरेज आउट भी किस विधि से होगा वो भी आपको बताऊंगा कैसे करना है, सब चीज़ का पूरा वैज्ञानिक फॉर्मूला है, आपको पूरा वीडियो देखना है। तो इसमें 1 लाख में 60 का भाग दिया, सिंपली 1667 रुपये आ गए, 1667 रुपीज़ आ गए सिंपली। यानी आपका टोटल फंड 1 लाख रुपये है, तो आपको उस दिन उस ETF में जो आपने अभी देखा कि टाटा का डिजिटल जो टाटा का हमारा डिजिटल इंडिया इंडेक्स फंड आया उसमें हमें 1667 रुपये की खरीदारी करनी है। पूर्णांक में इससे आसपास मान लो 1667 की जगह 1670 हो जाए, 75 हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो आपके चलेगा। पूर्णांक में आपको एक ETF से कम तो आता नहीं, ETF कम से कम एक आता है, तो आपको पूर्णांक में इसके अंदर लगभग 1667 रुपये की खरीदारी करनी है। अब मेरे पास कमेंट आया कि साहब आप ब्रोकरेज अवश्य बताना, अगले भाग में बताओ तो हमारा ब्रोकर इतना पैसा ले लेगा, ये कर देगा, ब्रोकरेज बहुत हाई है, सब फेल है, एक ETF में हम 500 रुपये खरीदारी करेंगे तो सारा ब्रोकरेज में चला जाएगा। यानी हम गिलास भरा हुआ नहीं देखते, हम खाली गिलास पहले देखते हैं,
एक फॉलोअर का टिप आया कि जब भी आप अगला भाग भरो ब्रोकरेज और शेयर बताना। उसको ऐसा लगा कि बेकार सी विधि होगी कोई और सारा पैसा कमाया और ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो भाई अब लाख रुपये आपके पास है तो आप इसका 6% प्रॉफिट बुक करना है आपको। अब देखो ये एवरेज आउट भी होगा, जरूरी नहीं है कि पहली बार ही खरीदार आपके जो पहले अगले दिन ही 6% प्रॉफिट आ गया तो आप बहुत भाग्यशाली हो, 100 रुपये का प्रॉफिट आपको हुआ। और देखो मेरा ब्रोकर जो है मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक इस प्रकार की ट्रेड में यदि मैं 1667 रुपये का ETF खरीदता हूँ, 1667 का बेचता हूँ तो डिस्काउंट ब्रोकर में मेरा खाता है उसमें मैं काम करने वाला हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 रुपये का वो मेरे से चार्जेस लेगा मेरा ब्रोकर। तो और उसमें मैं सारा इनकम टैक्स वगैरह सब शामिल भी कर लूँ ना तो 100 में से 50 रुपये तो मेरे फिर भी फायदा बचेगा। लेकिन मैं ये करने वाला नहीं हूँ। मेरा फंड जो 2 लाख रुपये अभी लगभग मेरे पास ऐसा एक्स्ट्रा फंड है जो मैं इन ETF वाली ट्रेडिंग के लिए लगाऊंगा। बाकी तो मैं अलग अलग विधियों से करता हूँ। कुछ फंड मैंने शेयर जी ने स्विंग ट्रेडिंग में लगा रखा है, कुछ फंड मैंने मेरे वाइफ के टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम में लगा रखा है, तो अलग अलग विधियाँ हैं। कुछ मैंने SBI का मेरा सुपर ब्रेकआउट वाला सिस्टम है उसमें लगा रखा है फंड। तो अभी मैं 2 लाख रुपये सरप्लस फंड निकाल सकता हूँ इस ETF वाली विधि के लिए। तो इसमें 2 लाख में जब आप 60 का भाग दोगे तो 3,333 रुपये की खरीदारी मैं रोज करने वाला हूँ और 6% में प्रॉफिट बुक करूंगा तो उसमें 200 रुपये प्रॉफिट होगा। और देखो ये बिना एवरेज आउट किए, यदि आपने इसको एक बार 1667 की खरीदारी की, अगली बार एवरेज आउट होकर एक बार और 1667 की तो आपका प्रॉफिट भी 200 रुपये हो जाएगा। अब मैं मान लो बिना एवरेज आउट करे ही मानता हूँ कि मैंने इसमें एक बार भी एवरेज आउट नहीं हुआ और 200 रुपये मुझे प्रॉफिट मिला, 3,333 रुपये का 6% होता है 200 रुपये, तो 50 रुपये खर्चा कट भी गया तो मुझे 150 रुपये इसके अंदर बचने वाले हैं। एक ट्रेड के अंदर 150 रुपये बचने वाले पर डे ट्रेड करनी है तो धीरे धीरे अमाउंट भी हम बढ़ाएंगे और हमारे पास पैसा खुला हुआ तो हम इसको 3 लाख के हिसाब से खरीदने लगेंगे। ये कोई आवश्यक थोड़ी है कि आप हमेशा ज़िंदगी भर ये खरीदोगे। अमाउंट बढ़ गई तो हम इसको 3 लाख के हिसाब से खरीदेंगे। यदि आपके पास पहले ही 3 लाख रुपये सरप्लस है तो आपको एक ETF में 5,000 रुपये लगाने हैं और आपको 6% प्रॉफिट 300 रुपये मिलेगा बिना एवरेज आउट हुए। और एक बार एवरेज आउट हो गया, आपने एक दिन 5,000 लगाए, उसको दोबारा एवरेज आउट भी ऐसे नहीं करना है कि अगले दिन फिर से सीट में आ गया फिर से आपने एवरेज आउट कर लिया, उसकी भी विधि है वो आगे बताई जाएगी। आपने 5,000 रुपये लगाए, अगली बार एवरेज आउट कर दिया तो आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इसके अंदर 10,000 रुपये, 10,000 इन्वेस्टमेंट हो गया तो प्रॉफिट अब 600 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये आप ब्रोकरेज वगैरह काट भी लोगे तो आपके 500 रुपये बचेंगे। अभी तो देखो रिटेल दुकानदार की तरह है, वो एक 5 रुपये का नमकीन का पैकेट बेचता है रिटेल दुकानदार, उसमें उसको 50 पैसे बचते हैं, वो 50 पैसे भी कमाता है उसके अंदर। और कई बार दुकान का किराया और ये सब खर्चे निकाल के उसको उसके अंदर 40 पैसे ही बचते हैं, वो नहीं गिनता। उसको दुकानदारी करनी आती है, उसको बिजनेस करना आता है, जिनको बिजनेस करना नहीं आता वो गिनेंगे। ऐसे ही आपके पास 4 लाख रुपये तो 60 का भाग देंगे तो 6,667 रुपये एक दिन में आपको एक ETF में लगाने हैं और प्रॉफिट आपका इसमें 400 रुपये होगा। यदि 6% इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे तो 5 लाख रुपये तो आपको 8,333 रुपये लगाने, आपका प्रॉफिट इसके अंदर 500 रुपये होगा। अब बात करते हैं हम ये कि यदि मान लीजिए कि आज आपके जो आपने देखा कि टाटा का डिजिटल इंडिया ETF सबसे गिरा हुआ ETF है, अगले दिन आपने मार्केट खोला और अगले दिन मार्केट में आपको एक तो एक किस टाइम पे ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा मैं भी आपको। अगले दिन आपने मार्केट में देखा कि आज भी पहले नंबर पे वही है, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ वही है, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको अभी आगे जाके दिखाता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रैंक 1 का ETF आपको खरीदना कब है, आपको ये कब खरीदना है। तो ये सबसे बेस्ट ही रहता है। देखो ETF जब मार्केट खुलता है तो ETF बहुत ज़्यादा ऊपर खुलते हैं, हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी ऑप्शंस की पोजीशन को हेज करने के लिए, फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को हेज करने के लिए ट्रेडर्स मार्केट की शुरुआत के साथ ही भारी मात्रा में ETF खरीदते हैं। इस वजह से ETF हमेशा ऊपर ही खुलता है, नॉर्मल प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर खुलता है। लेकिन जब मार्केट बंद होने वाला होता है तो आखिरी आधे एक घंटे में वो सारे ट्रेडर अपनी हेज करने के लिए जो ETF खरीदे होते हैं उनको बेच के बाहर निकलते हैं। तो मार्केट का जो आखिरी आधा एक घंटा है यानी दोपहर के 2:30 बजे से लेकर के 3:20 बजे के बीच में आपको इस सीट को खोलना चाहिए, सबसे बेस्ट तो ये रहता है। उस समय जो ये रैंक फर्स्ट पे जो ETF आता है इसको आपको उस समय खरीदना है। और एक दिन में कितनी पूंजी का इन्वेस्ट करना है वो मैंने आपको आगे बताऊंगा मैं भी आपको। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है खरीदने का बेस्ट समय क्या है। आपके फंड के अनुसार ये टोटल पूंजी बता रखी है, अभी आगे और भी समझाऊंगा आपको मैं। तो मार्केट के खुलने बंद होने के आखिरी आधे एक घंटे में आप खरीदते हो तो सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन यदि किसी के पास टाइम नहीं हो, कोई वर्कर हो, कोई ऑफिस में काम कर रहा हो, तो आखिरी आधे घंटे में यदि मार्केट को नहीं खोल सके तो उसको क्या करना है कि आज जैसे मार्केट बंद है, अभी रैंक बंद में आ रहा है, तो इसके जो क्लोज प्राइस के आधार पर उसको प्राइस फीड करके छोड़ देना है। तो ये टाटा इंडिया निफ्टी डिजिटल इंडिया फंड है, इसका जो क्लोज प्राइस है इसके आधार पे उसको
फीड करके छोड़ना है। अभी करंट मार्केट प्राइस का क्या चल रहा है, 52.60 रुपये इसका क्लोज प्राइस है। इसके आधार पे फीड करके छोड़ दो कि इस भाव पे आएगा तो हमें लेने हैं। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर आपका ईटीएफ का आमतौर पे जो जाता नहीं है एम ऑर्डर, उसमें यह कहता है कि एम ऑर्डर नॉट अलाउड इन ईटीएफ। तो इसमें मैंने आपको पहले समझा रखा है कि इसमें डिस्क्लोज क्वांटिटी में कुछ ना कुछ भर दोगे तो एम ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी ईटीएफ का स्वीकार हो जाता है। तो आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी में कुछ भरना मत बोलना। मैंने पहले के मेरे ईटीएफ के वीडियोज में बता रखा है ये बातें। तो आप 52.60 रुपये का आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी भर सकते हो। इसकी 80% संभावना रहती है कि ये प्राइस अगले दिन आ जाएगा। 20% हो सकता है वो आपके ईटीएफ हाथ में भी नहीं है, लेकिन आप चालू मार्केट में आखिरी आधे घंटे में खरीदते हो तो बस फिर तो क्या कहना है कि आप आराम से जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उसी पर आप उस समय खरीद सकते हो। अब आपने एक दिन में ये एक ईटीएफ खरीद लिया, अगले दिन फिर से आपने इस गूगल सीट को खोला मार्केट बंद होने के आखिरी आधे घंटे में, और बाई चांस ये ईटीएफ दोबारा ऊपर आता है, यदि ये टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ ऊपर आता है, तो ये आपके पिछले दिन की खरीदारी से यदि 2.5% से ज़्यादा गिरावट नहीं है तो इसको नहीं खरीदना। फिर हमने इसमें रैंक 2 दिए। रैंक 2 क्या है कि इससे थोड़ा कम गिरा हुआ ईटीएफ, यानी ये सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था 20 दिन के डीएमए से, उससे कम गिरा हुआ क्या है, मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 50 पर आधारित ईटीएफ है, वो उससे थोड़ा कम गिरा हुआ है, तो फिर आपको ये खरीदना है अगले दिन। और तीसरे दिन भी ऐसे करना है आपको, यदि ये दोनों ईटीएफ फिर से फर्स्ट सेकंड में आते हैं तो तीसरे दिन आपको ऑटो बीज ईटीएफ जो है ये फिर यदि ये तीसरे नंबर वाला जो भी है इसको खरीदना है। इस तरह से हमने 3 रैंक तक का लिया है, आगे मोर समझाऊंगा इसको किस प्रकार खरीदना है। तो ये 3 रैंक तक का हमने लिया है, और 2.5% से ज़्यादा अंतर यदि नहीं हो तो उसको एवरेज आउट नहीं करना है। पिछली खरीदारी को आपको फिर दोबारा नहीं खरीदना है, कम से कम 2.5% का डिफरेंस होना चाहिए। यदि आप रैंक 1 वाले को दोबारा खरीदना चाहते हैं तो इसकी पिछली खरीदारी से आपकी आज की खरीदारी में 2.5% का डिफरेंस होना चाहिए। अब बात आती है इसको एवरेज आउट कैसे करना है। यदि मान लो आपने गूगल फाइनेंस सीट से रैंक 1 का शेयर देखा, वो रैंक 1 का शेयर आपने ले लिया था, और अगले दिन आप फिर से देखते हैं तो वही जो रैंक 1 पे शेयर आज था वही अगले दिन कल भी आ गया, तो उसमें हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कोई शेयर को एवरेज आउट करते हैं ना। SIP में लोग क्यों फेल होते हैं, SIP में इसी प्रकार से फेल होते हैं कि वो मार्केट क्या करता है, गिरने से पहले काफ़ी दिन तक एक ही प्राइस के आसपास ऐसे घूमता रहता है। मार्केट में बड़ी गिरावट आती है उसमें पहले क्या करता है वो ऐसे शेयर का आप देखो कभी ग्राफ देखो बड़ी गिरावट से पहले ऐसे एक ही प्राइस के आसपास घूमता रहता है, 5-6 महीने फिर ऐसे गिरता है। तो आपके जो 6 महीने से एवरेज आउट करते आ रहे थे उन सब की वो SIP फेल हो जाती है और बुरी तरह से वो शेयर 20-30% माइनस में आ जाता है। तो आपको इसमें यदि अगले दिन फिर से वही ईटीएफ जो पिछले दिन आया था फिर से पहली रैंक पे आता है तो आपको उसको जब तक नहीं खरीदना है वो पिछले दिन से, जब तक वो 2.5% से ज़्यादा माइनस में नहीं हो, -2.50% से ज़्यादा माइनस में आ गया, मान लो पहली खरीदारी आपने 100 रुपये पे की तो उसका भाव यदि अगले दिन 100 रुपये के आसपास ही है, 99 रुपये है, 98 रुपये है, तो आपको उसको नहीं खरीदना है। यदि वो 97.50 से ज़्यादा गिरा हुआ हो अगले दिन, यानी इस पिछली खरीदारी के 2.5% से ज़्यादा गिरा हो, 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ हो, तो ही आपको उसको दोबारा एवरेज आउट के लिए कंसीडर करना है। नहीं तो फिर रैंक 2 का शेयर खरीदना है आपको, नहीं तो फिर रैंक 3 का खरीदना है। और तीनों शेयर आपने खरीद रखे हैं, रैंक 2 का भी खरीद रखा है, रैंक 3 का भी खरीद लिया, रैंक 1 का भी खरीद लिया, फिर से वापस वही शेयर आते हैं और कोई भी आपका पिछली खरीदारी से 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है। अब बात आती है कि इसके बाद इसको फिर कब एवरेज आउट करना है, तो इन दोनों का एवरेज प्राइस नहीं देखना आपको, लास्ट खरीदारी के 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ हो, 97.50 का 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ, 95.07 रुपये, यदि उससे नीचे आ गया हो तो आपको फिर खरीद लेना है। और फिर ये अगली बार यदि 92.70 रुपये से नीचे इसका प्राइस हो, इसके 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ हो, देखो 2.5% इतना था, वो कैलकुलेट उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 2.5% गिरा हुआ मेरा कितना आता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कि 2.5% से मेरा ज़्यादा पिछली खरीदारी से 2.5% ज़्यादा गिर गया है और आज भी वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ आ रहा है तो मैं उसको लूँ। तो ऐसे आपको 2.5% के अंतर पे उसको एवरेज आउट करना है, लास्ट खरीदारी से 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ होने पर आपको उसको एवरेज आउट करना है, नहीं तो आपको रैंक 2 को कंसीडर करना है, नहीं तो रैंक 3 को कंसीडर करना है। और आपको ये 3 रैंकों के शेयर आज ETF आ जाएंगे, उनमें आपको चूज करना है, कोई आपके पास पहले से नहीं हो तो फिर पहले उसको प्राथमिकता देनी है, सबसे पहले तो उसको प्राथमिकता देनी है जो आपके पास पहले से नहीं है। अब तीनों ही मान लो आपके पास पहले से है तो आपको ये देखना है कि कौन सा जो मेरी पिछली खरीदारी से 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ तो मुझे खरीदना है। कोई दिन ऐसा हो गया कि तीनों ही आपके पास पहले से है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, तो आपको उस दिन खरीदारी को अवॉइड करना है, उस दिन खरीदारी मत करो, अगले दिन कर लेंगे। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, गाना सुना है ना आपने, तो कल भी शेयर मार्केट खुलेगा,
कल भी ETF चलाएंगे, तो ऐसे हम कल भी खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है। तो गाने को याद रखना कि कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे। अभी गला थोड़ा बैठा हुआ है, मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था इसलिए आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही होगी आपको ऐसी वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा गला ठीक होते ही आपको अगला भाग देने का प्रयास किया है। यहाँ भी ये फार्मूला देके दिया हुआ है कि यदि आपका टोटल फंड 1,00,000 रुपये हो तो आपको एक दिन में एक ETF में 1,667 रुपये से ज़्यादा खरीदारी नहीं करनी। टोटल फंड 2,00,000 हो तो 3,333 रुपये, यानी इसमें 60 का भाग दे करके हमने इसमें फार्मूला दिया हुआ है। 3,00,000 रुपये फंड हो तो 5,000 रुपये से ज़्यादा खरीदारी एक दिन में नहीं करनी। इस तरह से हमने मैंने इसको 10,00,000 रुपये तक के आपको ये फॉर्मूले से निकाल के दिए हैं। और नीचे इनमें इस वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है कि ये कौन सा वीडियो आपको देखना है ETF के लिए, दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। इस गूगल फाइनेंस शीट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसके अंदर एक तो स्लो लोडिंग शीट है जिसके अंदर सारे फार्मूले आप देख सकते हैं, लेकिन वो सारे फॉलोअर एक साथ खोलेंगे तो स्लो लोड होगी, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव में अपने आपको अलग नाम से कॉपी करनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपके गूगल ड्राइव में अलग नाम से कॉपी किस प्रकार होगी। दूसरी फास्ट लोडिंग वेब पेज व्यू मैं इसका लिंक दूंगा, जिससे आपका फास्ट शीट खुल जाएगी। इसका लिंक मेरे ब्लॉग पे भी मैं डाल दूंगा, वहाँ ब्लॉग पे भी आप देख सकते हो। तो अभी आपको इस शीट को अपने गूगल ड्राइव में कैसे कॉपी करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अब बात करते हैं शीट आपको मिलेगी कहाँ, तो मेरे ब्लॉग जो meskousik.com है उस पर आपको जाना है। उसमें यहाँ लिंक मैंने दिया हुआ है ETF डेली अर्निंग सॉप शीट का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये आराम से वेब पेज व्यू खुल जाएगा। इसमें आप ये देख सकते हो इसको वेब पेज व्यू में। लेकिन किसी को फॉर्मूले वाली शीट देखनी हो तो फिर ये रॉ शीट लिंक और कॉपी विद फॉर्मूला आ जाए, यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो आपको रॉ शीट का लिंक भी मिल जाएगा। ये रॉ शीट है, इसमें आपको फॉर्मूलों के साथ में आपको मिलेगा ये, तो इसको आपको अपने गूगल ड्राइव पे कॉपी करना है, नहीं तो इसमें NA लिखा आएगा। यहाँ रॉ शीट में क्या होगा कि बहुत सारा लोड पड़ेगा, मेरे 2,00,000 फॉलोअर एक साथ खोलेंगे तो यहाँ NA लिखा आएगा। तो इससे बचने के लिए आपको इसको क्या करना है, यहाँ फाइल में जाना है, फाइल में जाके मेक ए कॉपी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप फॉर्मूले पढ़ भी सकते हो, कॉपी आप फॉर्मूले चेंज भी कर सकते हो। मेक ए कॉपी में जाना है रॉ शीट में, और इसका नया नाम कोई भी आपके हिसाब से देना है। जैसे आपकी पत्नी का नाम सुनीता है तो इसका मैं सुनीता ETF शॉप नाम रख दूंगा। मेरी पत्नी का नाम तो सीमा है, सीमा की रसोई, उसका कुकिंग चैनल भी है, जो भी इस तरह से नाम है। तो आप इसको मेक के कॉपी में जाकर के इस तरह से नए नाम से इसको कॉपी करना है, तो अब ये आपका नाम नया हो जाएगा इसका, और सुनीता ETF शॉप नाम से आपके गूगल ड्राइव में आ जाएगी। फिर मेरे फॉलोअर इसमें नहीं रहेंगे, आपके जो खुद आपका एक ही व्यक्ति इसको खोलेगा तो फॉर्मूले जल्दी लोड होंगे इसके अंदर, और फटाफट ये सीट आपकी हमेशा लोड हो जाया करेगी। मोबाइल में भी आप खोलते हो तो एक बार सीट यदि आपने मोबाइल में खोल ली ये सुनीता ETF शॉप वाली आपकी, तो आपके मोबाइल में अगली बार जब आप गूगल सीट ऐप से खोलेंगे तो आपके जल्दी खुल जाएगी। तो इस प्रकार से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, और मेरे ब्लॉग meskousik.com पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, दोनों सीटों का, रॉ सीट का भी। और वेब पेज व्यू क्या होता है, फास्ट खुलता है वेब पेज व्यू के अंदर, लेकिन आप उसके अंदर फॉर्मूले नहीं पढ़ सकते, इसमें कमी यही होती है वेब पेज व्यू में। फॉर्मूले पढ़ना है तो फिर आपको रॉ सीट लिंक विद कॉपी विद फार्मूला पे जाकर के फॉर्मूले वाली सीट खोलनी पड़ेगी, तो आप उसके फॉर्मूले भी देख सकते हो कि क्या क्या फॉर्मूले मैंने लगा रखे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब आप रोज एक ETF खरीदेंगे तो आपकी पूरी ETF की एक दुकान बनती रहेगी। 6% जब भी प्रॉफिट मिले आपको उसको ETF को बेचना है। एवरेज आउट भी आपको यदि पिछली खरीदारी से 2.5% से ज़्यादा गिरा हो तो ऑटोमेटिक आपको एवरेज आउट करना है। और इस विधि की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें जो 83 ETF है उनमें सबसे ज़्यादा गिरा हुआ जो ETF होता है वो खुद तय करता है ETF अपने खुद की 20 दिन की DMA के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन से। वो सारे ETF की 20 दिन की DMA देखी जाती है, सबका तुलनात्मक अध्ययन होता है। उसमें 20 दिन की DMA से जो ETF सबसे ज़्यादा गिरा हुआ होता है उसको इसमें लिया जाता है। और हमेशा याद रखो, शेयर हमेशा ब्रेकआउट होने पर लीजिए और ETF हमेशा गिरने पर लीजिए। यही इस विधि की खूबसूरती है कि इसमें आप मार्केट जब गिरा हुआ होगा उन दिनों में जब आप खरीदारी करोगे तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ मोस्ट बेनिफिशियल ETF आपके सेलेक्ट होके आएगा। और आपको इसमें 5-6 बार एवरेज आउट करने की गुंजाइश भी रखी गई है कि यदि 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ होगा लास्ट खरीदारी से तो आपके ये 5-6 बार एवरेज आउट होकर के भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो धीरे धीरे ये विधि को आपको 2-3 दिन में कोई प्रॉफिट देना शुरू नहीं करेगी। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, हमारे यहाँ कस्बे में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, तो जब सीमेंट फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री बनाई होगी तो पहले दिन ही प्रॉफिट नहीं कमाने लग गया था वो, उसको कम से कम 4-5 साल तो फैक्ट्री को बढ़ाने में लगे होंगे। तो यहाँ आपके बड़ा इजी काम है, 4-5 साल नहीं लगेंगे, 1-2 महीने में ये प्रॉफिट का सिस्टम आपका रोटेशन चालू हो जाएगा। तो ये विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य अवगत कराइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
फेमस शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।